अब ये एक खातून के बारे में इस तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सो आई थिंक इस तरह के बयान उनको नहीं देने चाहिए थे और उनको अपना जो फोकस था और जो पूरा आने का मकसद जो था वो माइंड में क्लियर करना चाहिए था और एक प्लानिंग के थ्रू उनको बात करनी चाहिए। एससीओ को लेकर और डॉक्टर जयशंकर की विजिट को लेकर क्या बज है इस समय पाकिस्तान? अफगानिस्तान में भी अब इन चीजों को वेलकम नहीं किया जा रहा, वहां भी बड़ी रेजिस्टेंस है कि इस तरह की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, IMF का बहुत बड़ा डिसीजन अभी पाकिस्तान के फेवर में आया है, उनको $7 बिलियन जो पाकिस्तानी रुपये में तो और बड़ा अमाउंट है क्योंकि डॉलर की कीमत बहुत ज्यादा स्पाइक कर गई है पाकिस्तान। बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपका होस्ट अंकित और आप देख रहे हैं इंडिया नाउ एंड नाउ। आज हमारे टॉक शो, हमारे पॉडकास्ट में एक स्पेशल गेस्ट है बॉर्डर पार से, जी हाँ कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक पॉपुलर मीडिया एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, प्रोड्यूसर। शी इज अ फाउंडर ऑफ ASN नेटवर्क्स, प्रोड्यूसर ऑफ पॉपुलर 7 PM रिपोर्ट कार्ड शो, बोल्ड टीवी, जियो टीवी, समा टीवी, सबके साथ इन्होंने काम किया है। मैं आज बात कर रहा हूँ मिस अक्सा शम्स की। अक्सा, वेलकम टू द शो, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। अक्सा, बहुत जल्दी जल्दी डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान में, कई दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जो पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए एक मेजर फैक्टर है, कहीं ना कहीं इंडिया भी वहां पर इन्वॉल्व है। और अगर मैं सीधा बात करूंगा तो SCO से बात करते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो रेगुलर मीटिंग्स होती हैं जहां पर भारत पाकिस्तान दोनों हिस्सा हैं, और इस बार वो इस्लामाबाद में होने जा रही है 15-16 अक्टूबर को, जिसमें भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर भी जाने वाले हैं। SCO को लेकर और डॉक्टर जयशंकर की विजिट को लेकर क्या बज है इस समय पाकिस्तान? अच्छा, SCO जो है एक बहुत बड़ा इवेंट है जो पाकिस्तान में होने जा रहा है, और जाहिर सी बात है जिस तरह बाकी कंट्रीज से लोग आ रहे हैं इस्लामाबाद, इसी तरह इंडिया, सिंस इंडिया इज पार्ट ऑफ SCO तो इंडिया भी आ रहा है और इंडिया को भी आना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रिलेशंस को बेहतर करने के लिए, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड वगैरह को कंट्रीज के दरमियान बेहतर करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि बहुत सारे कंट्रीज, सेंट्रल एशियंस इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मौका है सारे कंट्रीज के पास कि वो मिलके किस तरह क्लाइमेट चेंज के लिए, इकॉनमी के लिए और पूरे इस रीजन के लिए कैसे मिलके काम करते हैं और अपने अपने कंट्रीज को जो है वो फ़ायदा पहुँचाते हैं। अगर बात की जाए इंडिया की या पाकिस्तान की, चाहे वो न्यू दिल्ली में हो रही हो या इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हो रही हो, क्योंकि वो इस SCO का हिस्सा है तो बतौर एक मेंबर, एज अ मेंबर उनको जो है शिरकत लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कंट्री को इस तरह का जो मौका है, इस तरह का जो चांस है वो गंवाना नहीं चाहिए। बिकॉज इसमें जो है वो अपनी स्पीचेस के थ्रू ट्रेड रिलेशंस पे बात कर सकते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट से बात कर सकते हैं और ग्लोबली जो चीज़ें इस वक्त सर्कमटेंसेस है उस पर बात कर सकते हैं और अपना जो है कोई किरदार उसमें अदा कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि डॉक्टर जयशंकर जो अब आ रहे हैं, उन्होंने तो देखो इंडियन साइड ने साफ मना कर दिया कि हम बायलैटरल टॉक्स नहीं करेंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो भी कुछ समय पहले जब SCO गोवा में था इंडिया में तो वो भी आए थे, तो कोई बायलैटरल टॉक्स की बात नहीं थी। क्या लगता है कि मायूसी है या पता था चलो जाने दें? प्रॉब्लम इज के देखिए इंटेंट बड़ा मैटर करती है, जब दोनों तरफ से इंटेंट ही नहीं होगी तो चाहे दुनिया में किसी भी जगह पे ये दो कंट्रीज इकट्ठे हो रहे हो या मीटिंग्स कर रहे हो, लेकिन जब एक पॉलिसी चेंज नहीं आता, ना इंडिया की तरफ से आता है ना पाकिस्तान की तरफ से आता है, तो ऑब्वियसली ये टॉक्स रिज्यूम नहीं होंगी जो 2019 से जो है वो रुकी हुई है आफ्टर दैट क्लैश इन पुलवामा एंड दी सबसिक्वेंट रिटेलिएशंस। तो आई थिंक ये जब तक एक पॉलिसी चेंज दोनों तरफ से नहीं आएगा और दोनों तरफ से एक विलिंगनेस नहीं होगी इस चीज़ के लिए, तो ये रिज्यूम नहीं होंगी टॉक्स। और जिस तरह आपने मेंशन किया कि लास्ट ईयर बिलावल भी आपके पास आए थे, गोवा में थे वो भी, तो तब भी बिलावल ने यही कहा था कि अगर इंडिया इनिशिएट करता है तो हम बात करने को तैयार हैं। तो देन अगेन वही बात आ जाती है कि दोनों एक दूसरे के इंतजार में होते हैं कि अगर ये स्टार्ट करेंगे तो ठीक है, देखा जाएगा। इंडिया की तरफ से भी
और ये मामला आई थिंक बहुत ज्यादा कंडीशनल है कि पाकिस्तान की भी कुछ सर्टेन कंडीशंस है कि जिसकी बुनियाद पे जो है वो टॉक्स करना चाहेगा, और इंडिया की भी इसी तरह अगर देखा जाए कि अपना एजेंडा है, अपनी कंडीशंस है कि भाई ये चीजें होंगी तो हम टॉक्स करेंगे वरना नहीं होंगी। तो इस कंडीशन में अगर मैं इसको एनालाइज करूँ तो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एक डेडलॉक है और दोनों ही अपनी उस चीज से पीछे हटने को तैयार नहीं है जो उन्होंने कंडीशंस रखी हुई है। अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो इसमें तो बड़ा फायदा है कि हम नेबर्स हैं, और अगर हमारे बीच में ट्रेड रिलेशंस जो है वो स्टार्ट होते हैं तो ऑब्वियसली दोनों कंट्रीज को ही इससे फायदा होगा। अभी क्योंकि इमरान खान के बारे में पूछना बड़ा जरूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं क्योंकि अभी पीटीआई फिर से थोड़ा सा कुछ जुलूस वगैरह निकाल के आगे बढ़ने लगी है। 15 को है ना, 15 को है तो सब बहुत चीजें 15 को है। तो इमरान खान का नाम कैसे ना लें, बिकॉज इमरान खान फिर से रेलेवेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, जेल से सही पीटीआई जुलूस ज्यादा निकाल रही है, और कहा जा रहा है अभी इस हफ्ते जो एक बहुत बड़ा जुलूस होने वाला है पीटीआई कोशिश पूरी कर रही है कि किसी ना किसी तरह से पब्लिक सपोर्ट को फिर से गार्नर करें। आपको लगता है कि जो मीडिया सपोर्ट उन्होंने खोया है वो वापस आएगा, पब्लिक सपोर्ट वापस आएगा? पीटीआई के साथ जो पब्लिक सपोर्ट है शुरू से वो तो है, लेकिन आई थिंक पीटीआई का हमेशा ही यही इशू रहा है कि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो है वो खराब करने की, जियोपर्डाइज करने की कोशिश करता है। अब जैसे SEO हो रहा है तो उसी दिन उन्होंने प्रोटेस्ट की इस्लामाबाद में और सारे कंट्री में कॉल दे दी है कि जी हम 15 को करेंगे, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली जब लोग बाहर से आ रहे हैं और एक इवेंट हो रहा है और एक कंट्री का इवेंट है तो उनको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये चीज किसी और दिन भी हो सकती है, सियासत किसी और दिन भी हो सकती है, जो चीज अहम है, जो इस मुल्क के लिए अहम है, आई थिंक उस पर उनको जो है इस तरह नहीं करना चाहिए, कोई और दिन होना चाहिए। हमारे बड़े खास मेहमान कह लीजिए अभी इस समय पाकिस्तान में है, हर जगह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कमेंट्स भी बहुत दे रहे हैं, काफी पॉपुलर हो रहे हैं, और खासकर आपके जो महिलाएं हैं फीमेल्स में तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नायक बहुत स्पेशल आदमी है, ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है क्यों भारत में वांटेड है, क्यों पॉपुलर है, और इस समय बहुत सीरियस नोट पे भी पाकिस्तान की खासकर मीडिया, अगर मैं उनके ट्विटर पे जाके देख रहा हूँ, एक्स पे, इंस्टा पे देख रहा हूँ, बहुत जगह मैंने कमेंट्स देखे हैं और रील्स देखी हैं, और बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है, लड़कियां औरतें तो बहुत ज्यादा नाराज हो गई हैं उनकी बातों से, आदमी भी सपोर्ट कर रहे हैं फीमेल्स को, ये जाकिर नायक ने क्या कर दिया आकर पाकिस्तान में? आई थिंक जाकिर नायक साहब जो है पाकिस्तान आए हैं, मोस्ट वेलकम टू पाकिस्तान, बट ऑब्वियसली अगर वो एक पब्लिक टॉक में इस तरह की वर्डिंग्स यूज करेंगे तो बैकलैश तो आएगा, औरतों की तरफ से तो लाजमी आएगा, क्योंकि हमारे सेंटिमेंट सबसे ज्यादा हर्ट हो रहे हैं इन चीजों से, कि कोई भी आ जाता है और कह देता है कि जी शादी नहीं की तो आप बाजारी हो रहे हैं, यू नो, अगर आप एक मैरिड आदमी का प्रपोजल जो है वो कबूल नहीं, ऐसा तो इस्लाम भी नहीं कहता, ठीक है, ये हमने, मैंने पूरा कुरान पढ़ा हुआ है, मैंने अहदीस भी पढ़ी हुई है, लेकिन ये तो कहीं भी नहीं होता कि ऐसी कोई वर्डिंग हमने पढ़ी हो, कभी भी पढ़ी हो, स्कूल्स में भी पढ़ी हो, कि अगर आपने जो है शादी नहीं की तो आप एक बाजारी हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा लफ्ज है, तो आई थिंक उनको थोड़ा सा सोच समझ के बात करनी चाहिए थी जो उन्होंने की। इससे हम लोग काफी हर्ट हुए हैं, पाकिस्तान की फीमेल्स जाहिर सी बातें हर्ट हुई हैं। और दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत पोलराइज्ड है इस वक्त, जिस तरह इंडिया में होता है कि एक राइट है, एक लेफ्ट है, बहुत कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा दीन को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और कुछ लोग मॉडरेटली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और कुछ लोग जो है करते ही नहीं है, राइट? सिमिलरली पाकिस्तान में भी ऐसे तबकात, ऐसी क्लासेस हैं कि कुछ जो है वो टोटली रिलीजन को जो है वो बहुत ज्यादा फॉलो भी कर रही होती हैं, और कुछ लोग जो है वो नहीं फॉलो कर रहे होते हैं, और कुछ लोग जो है कुछ थोड़ा बहुत फॉलो कर लेते हैं, कुछ चीजों में छोड़ देते हैं। तो दिस सोसाइटी इज वेरी पोलराइज्ड, तो मिक्स रिएक्शंस की सबसे बड़ी वजह ये है कि दिस इज नॉट ईरान, या दिस इज नॉट इराक, राइट, एंड दिस इज नॉट अफगानिस्तान ऑफ कोर्स, के इस तरह की, और इवन अफगानिस्तान में भी अब इन चीज़ों को वेलकम नहीं किया जा रहा, वहाँ भी बड़ी रेजिस्टेंस है कि इस तरह की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक जो मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं और जो बैकलैश आ रहा है, इसकी यही वजह है कि पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है और हर कोई एक ही तरह से रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहा।
और दूसरी बात ये कि उनकी जो कुछ बयानात थे वो थे भी जरा कॉन्ट्रोवर्शियल अगर देखा जाए। अभी कल ही मैं उनका एक वीडियो देख रही थी, उन्होंने GNN से बात की थी, एक पोस्ट इंटरव्यू कर रही थी, तो वो कह रहे थे कि अगर 20 मिनट तक आप एक मेकअप में बैठी हुई एक रिपोर्टर या न्यूज एंकर को नहीं देखते, आप देख रहे होते हो, और अगर आपको एज अ मैन कुछ होता नहीं है तो आई थिंक देयर इज अ मेडिकल इशू विथ यू, राइट? टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब ये एक खातून के बारे में इस तरह के कमेंट किए जा रहे हैं, आई मीन आई डोंट नो, इतना सेल्फ कंट्रोल तो इंसान के अंदर होना चाहिए कि वो इस तरह की बात ना करें कि आपको कोई मेडिकल इशू है, अगर आप टीवी पे बैठी हुई एक खातून को मेकअप में देख रहे हैं। तो आई थिंक इससे जो है ये बयान बड़ा उनका कॉन्ट्रोवर्शियल है, और उनको थोड़ा सा बोलने से पहले प्रोसेस करना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। और मुझे जो एक चीज ऐसा फील हुआ है कि उनकी तरफ से ये मिस्टेक हुई है कि वो पहले पाकिस्तान की सोसाइटी को देख लेते कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या माहौल चल रहा है, सोसाइटी किस तरह ऑपरेट कर रही है, लोगों के क्या क्या जो है वो व्यू पॉइंट्स हैं, फिर ये बात करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हेट स्पीच का जो है हक किसी को भी नहीं है, जिससे रेडिकलाइजेशन सोसाइटी में मजीद पैदा हो एक ऑलरेडी रेडिकल सोसाइटी में। सो आई थिंक इस तरह के बयानात उनको नहीं देने चाहिए थे, और उनको अपना जो फोकस था और जो पूरा आने का मकसद जो था वो माइंड में क्लियर करना चाहिए था, और एक प्लानिंग के थ्रू उनको बात करनी चाहिए। मैं कोई ट्वीट्स पढ़ रहा था और पाकिस्तान के लोग, आप भी के तरफ के लोग कह रहे हैं कि भाई इससे अच्छा तो डॉक्टर जयशंकर वेलकम है, जाकिर नायक वेलकम नहीं है, तो ये इस तरह के कमेंट्स भी सुनने को आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप उसमें? देखिए वही बात है कि हर किसी की एक अपनी राय होती है, अगर वो ये समझते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक का आना बिल्कुल दुरुस्त नहीं था तो वो उनकी एक राय है। मैं समझती हूँ कि ठीक है वो आए, उनको स्टेट गेस्ट बुलाया गया, लेकिन बात ये है कि जब वो एज अ गेस्ट यहाँ पे आए हैं और वो इस तरह की बात करेंगे, और एक हमारे कंट्री ने उनको एज ए स्टेट गेस्ट बुलाया है, और अगर वो हमारी खवातीन को आके ह्यूमिलिएट करेंगे या उनके लिए ऐसे सेक्सिस्ट रिमार्क्स देंगे तो ऑब्वियसली बैकलैश तो फिर बनता है ना। बेशक सब आए मोस्ट वेलकम, लेकिन आई थिंक एक दायरा होता है, हर चीज की एक बाउंड्री होती है, उसको सरपास नहीं करना चाहिए। अक्सर IMF का बहुत बड़ा डिसीजन अभी पाकिस्तान के फेवर में आया है, उनको जो एक बहुत टाइम से जो एक IMF के लोन की तरकार थी वो आ गई है, बड़ा अमाउंट है, $7 बिलियन, जो पाकिस्तानी रुपये में तो और बड़ा अमाउंट है क्योंकि डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा स्पाइक कर गई है पाकिस्तान में, तो और कीमत है। लेकिन आपको लगता है कि IMF का लोन एक दोधारी तलवार की तरह है, अच्छा तो करेगा ही क्योंकि इकॉनमी थोड़ी सी उन पर प्रेशर कम हुआ है, लेकिन कॉन्ट्ररी फिर रेवल पर देखूँ तो उसका जो भार है वो भी आपकी जनता पर, आपकी ऑडियंस पर आता है। देखें IMF को, दिस इज़ नॉट दी फर्स्ट टाइम कि हम IMF के पास गए हैं, ये हमारा IMF का 25th टाइम है कि हम उनसे जो है डेल आउट पैकेज ले रहे हैं। होपफुली पहले भी हम IMF के पास थे इमरान खान के दौर में, और अभी भी हमारा एक पैकेज जो है वो अप्रूव हुआ है। अब जब IMF हमें पैसे देता है तो IMF ऐसे ही पैसे नहीं देता, IMF पूरा एक आपको प्लान देता है जिसके हिसाब से आपको चलना होता है, और आपको अपने मुल्क को, आपकी पॉलिसीज को उनकी अकॉर्डिंग करना होता है, वो जो चाहते हैं वो उनके साथ सिंक करनी चाहिए होती हैं, और टैक्सेशन में जो है वो इजाफा हो जाता है, और सारा जो उसका लोड है वो हमारी पब्लिक पे आ जाता है। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़े हुए मिलते हैं, पाकिस्तान में अगर आप एक AC चलाते हो फॉर 12 आवर्स तो यू हैव टू पे 60,000 to 70,000 ईच मंथ, और अगर आप गर्म एरियाज में रह रहे हो, पंजाब में भी गर्मी होती है, सिंध में भी गर्मी होती है, बलूचिस्तान भी बहुत गर्म होता है, तो देखिए तीन हमारे जो प्रोविंसेस हैं वो बहुत ज्यादा, वहाँ पे जो वेदर है वो बड़ा हॉट रहता है, गर्म गर्म मौसम रहता है, और वहाँ पे AC की नीड होती है, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या रास्ता बच जाता है, कोई हर कोई AC तो नहीं अफोर्ड कर पाता। अक्सर काफी इम्पोर्टेंट मुद्दों पर हमने बात करी थी कि पाकिस्तान में और क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्या सोचते हैं और उसके इम्पैक्ट दोनों तरफ क्या सकते हैं। थैंक यू सो मच अक्सर जुड़ने के लिए। बहुत जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।